सस्ती गिरफ्त खड़े ए मुलजम कोई आम नहीं, ए ओ लोक ने जो सूबे दी जवानी नू नशा दे छेवें दरिया विच तक रहे सन, जो नौजवानी नू खत्म करन दिया राहां ते चल रहे सन, वड्डे पद्धर ते नशे दा गोरख धंधा चला रहे सन, सूबे दे हालात खराब कर रहे सन, पर हुण ए मुलजम लुधियाना पुलिस दे तक्के चढ़ चुके ने। दस्या जा रहा है कि इन्हां मुलजमां चों इक पढ़िया लिखिया नौजवान है जिसने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कीता होया, पर उसनूं नौकरी नहीं मिली, जिस तों बाद ओह जुर्म दी दुनिया च पै गया। दरअसल लुधियाना पुलिस ने भुक्की सप्लाई करन दे मामले विच तीन मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता है, जिन्हां दी जांच करन मगरों इह गल सामने आई है, जिसका जिक्र पुलिस वल्लों जारी कीते प्रेस नोट विच भी है। जो नशे विरोधी मुहिम है उन्होंने अच्छ बड़ा वही सू सफलता मिली है। कमिश्नरेट लुधियाना पुलिस नू असी एक क्विंटल पॉपी हस्क जी रिकवर की है और तीन समगलर अरैसट किए है। ये जोड़े तीनों है दो वक् वक् गड्डियों के झारखंड तो ये कंसाइनमेंट लैके आते और तकरीबन 1.5 साल तो जो इन्हों की पूछगिछ तो पता लगे ये काम के लगे हुए है। ये दोनों जड़े रिकवरीज ने क्योंकि गड्डियां कट्ठियां आ रही सी, गड्डी खराब हो गई सी, अलग अलग टाइम से दो वक् वक् परचे इन्हां ते दिते गए है। इस संबंधी जानकारी देंदिया लुधियाना के पुलिस कमिश्नर दस्या है कि इन्हां विच एक मुलजम अमनजोत जगराओं तो, जो कि दूजा रविंदर पिंड कपूरे तो है अते तीजा मनदीप सिंह जलालाबाद पिंड तो संबंधित है। इन्हां कोलों दो ट्रक ते नशे की खेप भी बरामद की गई है, जिन्हां विच एक क्विंटल भुक्की भी शामिल है जो पंजाब के वख-वख इलाकों विच सप्लाई की जानी सी। जिहड़े तीन बंदे गिरफ्तार किए गए है इच मनदीप सिंह है एलियस बग्गा, ये जलालाबाद रोड थाना अजीतवाल जिला मोगा का रहने वाला है। दूजा रविंदर सिंह रवि है ये थाना मैने के पिंड कपूरे का रहने वाला है और थर्ड अमनजोत है जिहड़ा देड़का पिंड है हटूर तहसील च जगराओं च उत्थों का रहने वाला है। जो मुढ़ली पुछगिछ तो इन्हों तो पता लग्या कि इन्होंने जरा समान उत्थों तकरीबन डबल रेट पर आके इतने जगराओं एरिए भेजते हैं, 2200 रुपये के रेट ना किलो तो उतों लैके आते हैं झारखंड तो 5000 डबल तो थोड़ा ज़्यादा उस रेट पर इतने भेजते हैं। CIA-1 की जी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया, इन्हों असी वाजब इनाम भी दे रहे हैं और फरदर असी लिंकेज देख रहे हैं कि कितने कितने इन्होंने अगे सप्लाई करनी सी। और जड़ा पुराने जो जिथे जिथे आके इन्होंने सप्लाई की सी उस चीज़ में भी दोबारा सारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा। बहरहाल पंजाब का हर वर्ग हर उम्र के लोग संघर्ष कर रहे ने अपने हक्कां लई, भावें वह फिर किसान होण जां फिर बेरोजगार अध्यापक। पढ़े लिखे नौजवान नौकरियां दी भाल च लगे हुए ने, पर बेरोजगारी का पद्धर इन्ना वध गया है कि यह पढ़े लिखे नौजवान नौकरियां दियां उम्मीदां छड़ के जुर्म दी दुनिया विच फसते जा रहे ने। नाल ही सवाल यह भी है कि किवें बेरोजगारी नौजवानों ते भारी पै रही है। मुख्यमंत्री चन्नी जी, तुसी यह खबर वेख रहे हो तो सूबे के भविख बारे भी सोचो, देख लो पढ़े लिखे नौजवानों का की हाल है, किधर नू जा रही है सूबे की जवानी। नवीन शर्मा, PTC News, लुधियाना।